फ्राइडे का सेशन स्टार्ट करते हैं कि कल हम लोगों को क्या बाई लेना है। रिलायंस बहुत अच्छा जोन पे है, पूरा बाइंग जोन पे है। 1962 के ऊपर जैसे रिलायंस जाता है हम लोग को बाई ले लेना है। 1962 के ऊपर क्या है, रिलायंस हम लोग का यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तो पहला टारगेट अपना जाएगा 1988। क्यों 1988 पे इसको रेसिस्टेंस लग रहा है, मार्केट यहाँ तक जाएगा, हो सके मार्केट वहाँ से फिर नीचे की तरफ आके फिर ऊपर का रैली ले, तो सेफ ट्रेडर्स लोग यहाँ पे 50% या अपना जैसे आप लोग एग्जिट करना चाहते हैं करें। लेकिन हम हमेशा तीन टारगेट इसलिए देते हैं क्योंकि पहला टारगेट पे 50% एग्जिट करना है, 50% बुकिंग करने के बाद अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता तो हम लोग लॉस में नहीं रहेंगे। इसलिए सेकेंड टारगेट 1998, यहाँ पे 1998 के पास में भी एक रेसिस्टेंस है, दिखाता है आपको कहाँ पे रेसिस्टेंस है रिलायंस का। देखिए इस जगह पे 198 के थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, 1999 का स्टॉप ये सेकंड है, सेकंड रेसिस्टेंस इसको यहाँ लग रहा है, थर्ड रेसिस्टेंस इसको यहाँ पे लग रहा है। लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको यहाँ पे इसको रेसिस्टेंस दिखाई देगा। तो अपना थर्ड टारगेट का रेसिस्टेंस यहाँ पे लग रहा है इस पॉइंट पे, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि हर एक रेसिस्टेंस जहाँ लग रहा है मार्केट वहाँ से हो सके बहुत बार जाके रिवर्स हो जाता है। इसका हम एक लाइव सेशन बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में क्यों मार्केट वहाँ से रिटर्न नहीं आता है। इस लेवल पर देखिए एक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट गया ऊपर की तरफ, फिर वहाँ से मार्केट देखिए इस लेवल को जब मार्केट इसके नीचे ओपन हुआ तो मार्केट कितना ज़्यादा गिरा। तो ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का बहुत बड़ा गेम है यहाँ पे। ये जैसे ट्रेड लाइन जो हम लोग हॉरिजॉन्टल ट्रेड लाइन बनाए, ये जैसे ही ब्रेक करेगा मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आप यहाँ पे देखिए जैसे ये वॉल्यूम कितना बड़ा, जैसे आपको वॉल्यूम पे हम एक एग्जांपल दिखाते हैं, आज ब्रेकआउट के जैसे बात बोलते हैं, आज यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था देखिए बजाज ऑटो में, इसका वॉल्यूम देखिए कितना हाई हो गया। इस लेवल को देखिए, ये जो कैंडल का हाई है, इस कैंडल का हाई यहाँ पे जब ब्रेक हुआ तो आप देख सकते होंगे यहाँ पे कितना ज़्यादा वॉल्यूम आया। ये जो वॉल्यूम है ये सब वॉल्यूम से सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस लेवल पे आया, क्यों, क्योंकि इसने इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक करने के बाद ही मार्केट इतना ऊपर चला गया। तो ये वॉल्यूम हम लोग का बहुत काम में आता है। कल जैसे बजाज ऑटो, अब कल बजाज ऑटो भी आप ले सकते हैं, बजाज ऑटो तब लेना है जब बजाज ऑटो 2972 के ऊपर जाए तो हम लोग को बजाज ऑटो बाई लगाना है। स्टॉप लॉस इतना बड़ा नहीं रहेगा, स्टॉप लॉस मॉडिफाइड करके इस जगह पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 2960 पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। मगर हम स्टॉप लॉस के बारे में जैसे ही मेरा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, कल हम सबको ट्रेडिंग लाइफ इन ट्रेडिंग का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें अपडेट कर लेंगे। स्टॉप लॉस हम सबका मॉडिफाइड करके बता देंगे कि किसका स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, क्योंकि लाइव मार्केट में एक स्टॉप लॉस का एक अलग महत्व होता है और नॉर्मल सेशन में एक अलग होता है, जिसकी वजह से हम लोगों को एक्टिव रहना पड़ता है। मार्केट का कोई भरोसा नहीं, मार्केट कहाँ से रेसिस्टेंस लेके नीचे आ जाए, कहाँ पे सपोर्ट लेके फिर वापस ऊपर जाए। सपोर्ट रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम लोग स्टॉप लॉस मॉडिफाई करते हैं। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहाँ पे आपको सारा का सारा चीज़ मिल जाएगा। जैसे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, देखिए यहाँ पे हम सारा का सारा चीज़ अपडेट करते हैं, कब क्या लेना है क्या नहीं है सब चीज़, सारा का सारा चीज़ जैसे ही मार्केट में कुछ भी होता है हम संग संग यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। लाइफ इन ट्रेडिंग ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पे जाके हमको फॉलो कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपना कॉल्स वगैरह शेयर करते हैं और कहाँ पे एग्जिट लेना है, कहाँ पे बाय ऑर्डर लगाना है, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो बजाज ऑटो में पहला चीज़ तो ये है कि 2972 के ऊपर जाए तो बाई लेना है, पहला टारगेट 2995 है, सेकंड टारगेट 3017 है, थर्ड टारगेट 3047 है। पहला रेसिस्टेंस इसको यहाँ लग रहा है, सेकंड रेसिस्टेंस देखिए यहाँ यहाँ दो इसका रेसिस्टेंस है, तो मार्केट यहाँ से चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट नीचे गिर जाए। थर्ड रेसिस्टेंस देखिए इसको यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे भी मार्केट देखिए रिटर्न आने के बाद में इस जगह पे देखिए मार्केट इस जगह पे भी कंसोलिडेट होके मार्केट ऊपर की तरफ गया, मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। तो ये तीन जोन है जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना है, उसी हिसाब से हम लोग को ट्रेड लेना है।
मार्केट वेट करना है 2972 के ऊपर, जाए तो बाय लेना बजाज ऑटो। और डिस्कस करते हैं हीरो मोटर्स के बारे में, डिस्कस करते हैं हीरो मोटर्स बाई ऑर्डर तभी हम लोग को लगाना है जब हीरो मोटर्स 2978 के ऊपर जाए, मतलब 2979 के ऊपर जाने से हम लोग को क्या है कि बायर्स लोग हावी हो जाएगा, सेलर्स लोग वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, बायर्स लोग हावी होते हैं, इसके वजह से हम लोग को टारगेट मिलने में आसानी होता है। बजाज ऑटो अगर 2978 के ऊपर जाए, क्योंकि बजाज ऑटो में अच्छा मूव आ सकता है, हीरो मोटर्स तो वेट करना है 2979 के ऊपर जाए तो ही हम लोग को लेना है, इससे पहले कोई ऑर्डर नहीं लगाना है। अगर उसके ऊपर जाता है तो पहला टारगेट 3029, सेकंड टारगेट 3062, थर्ड टारगेट 3093, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस लग रहा है, पहला रेसिस्टेंस इसको बड़ा टाइम फ्रेम में लग रहा है। देखिए इस जगह पे इसको रेसिस्टेंस लग रहा है, पहला रेसिस्टेंस हीरो मोटर्स को, सेकंड रेसिस्टेंस इस जगह पे लग रहा है, और थर्ड रेसिस्टेंस इस जगह पे लग रहा है, तो तीनों का तीनों बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ध्यान दीजिएगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और रेसिस्टेंस को हमेशा फॉलो करके रखें, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा ऐसा भी होता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये जो पहला हम रेसिस्टेंस बनाए हैं इस जगह पे, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आने के बाद मार्केट ऊपर गया, लेकिन देख रहे हैं ठीक यहाँ पे रेसिस्टेंस लग के फिर मार्केट कितना नीचे आ गया। तो अपने को क्या करना है, रेसिस्टेंस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है 50%, यहाँ पे 75%, मतलब 50 यहाँ पे कर लिए तो 25 और बचा आपके पास, तो 25 यहाँ कर लीजिए और 25 इस लेवल पे कर लीजिए। इसलिए तीन लेवल हम हमेशा देते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम आप लोगों के संग शेयर करने वाले, इस पे वीडियो हम बना रहे हैं, बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं, उससे आप लोगों को सारा का सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे अपना ट्रेड लेते हैं, कैसे बाई करते हैं, कहाँ पे एग्जिट करते हैं, किस तरीके से मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, क्यों होता है, क्यों ट्रेड लाइन ब्रेकआउट होता है, सारा का सारा चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगा। पहला चीज़ कल TCS भी हम लोग बाई ले सकते हैं, तब जब ये 2710 के ऊपर जाए, पहला टारगेट बहुत छोटा है 2725, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस लग रहा है, इसके वजह से ये थोड़ा छोटा है, रिस्की मूव है, मगर ये रेसिस्टेंस हो सके टूट भी जाए। उसके बाद वाला रेसिस्टेंस थोड़ा ऊपर पे है 2752 पे, जो यहाँ पे रेसिस्टेंस लग रहा है, इस जगह पे रेसिस्टेंस लग रहा है, और थर्ड रेसिस्टेंस हम लोग को लग रहा है कहाँ पे 2768 लेवल पे, देखिए इस जगह पे रेसिस्टेंस लग रहा है। तो तीनों का तीनों रेसिस्टेंस आपको पता है, टारगेट उसी हिसाब से बुक करें, स्टॉप लॉस मॉडिफाइड हम करके बता देंगे कि आप लोग स्टॉप लॉस फ़िलहाल के लिए, तो स्टॉप लॉस ये है, आप अगर अपने हिसाब से स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो बहुत बेहतर है, स्टॉप लॉस हमेशा ध्यान पे रखिएगा कि स्टॉप लॉस अपना पैसा बचाता है। तो हम लोगों को स्टॉप लॉस कभी भी ऐसा स्टॉप लॉस पे नहीं ट्रेड करना चाहिए जो हम लोग का पॉकेट के बाहर हो, हम लोग को उसी पे ट्रेड लेना चाहिए जो हम लोग कैपेसिटी के अंदर होगा। समझिए मैं आप स्टॉप लॉस 50 रुपीज़ 20 रुपीज़ का गिर रहा है, और मैं रिस्क पर डे का रिस्क है, रिस्क कैपेसिटी 500 का, तो हम लोग 500 के जगह पे 10 ही क्वांटिटी लेंगे अगर 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होता है, ज़्यादा का नहीं लेंगे। अपना स्टॉप लॉस हम लोग का पॉकेट होता है, स्टॉप लॉस अगर हम लोग मैनेजमेंट नहीं सही से करेंगे तो हम लोग का पॉकेट खाली हो जाएगा। मार्केट में कमाने आए हम लोग, डुबाने नहीं। आधा से ज़्यादा इंसान यहाँ पे डुबाता है, लेकिन अपने को डुबाना नहीं, अपने को कमाना है। HDFC ये भी कल बाइंग जोन पे है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था, जिसके वजह से सारा का सारा बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिल रहा है। HDFC पे बाइंग हम लोग को तब लेना है जब ये HDFC इस लेवल को ब्रेक करे। थोड़ा लाइट कर देते हैं इसको, हाँ इस जगह पे 2108 को, जब HDFC 2108 के ऊपर जाए तो अपने को बाई लेना है, स्टॉप लॉस 2083 रहेगा। और अगर मार्केट ज़्यादा ऊपर या नीचे ओपन होता है तो मार्केट में फिर स्टॉप लॉस मॉडिफाइड कर लिया जाएगा। पहला टारगेट इसका कहाँ पे 2157 क्यों है, दिखाते हैं वन डे का कैंडल पे। देखिए यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लग रहा है इसको, इसलिए 2157 पे पहला टारगेट है,
सेकंड टारगेट इस जगह पे देखिए रेसिस्टेंस लग रहा है इसको, ठीक। सेकंड टारगेट 2197, थर्ड रेसिस्टेंस इसको बहुत ऊपर में लग रहा है। अगर सेकंड रेसिस्टेंस को तोड़ के अगर ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट बहुत अच्छा मूव देगा। थर्ड रेसिस्टेंस वहाँ नहीं, इस पॉइंट पे भी लग रहा है, 2275 पे अपना थर्ड रेसिस्टेंस लग रहा है। ध्यान दीजिएगा सब चीज़ पे, कल ट्रेड लीजिएगा अगर ये सब चीज़ देख के, तो सावधान होकर ट्रेड लीजिएगा। रिस्क हमेशा अपने हैसियत के हिसाब से लेना है हम लोगों को। मार्केट में इमोशनल होकर अगर हम लोग सोचेंगे कि आज ही सारा पैसा कमा के मार्केट से बाहर निकलेंगे तो हो सके अपना सारा पैसा इसमें डूब जाए। इमोशनल लाइफ इसमें एकदम दूर रखना, इमोशन को इस मार्केट से। अपना जो पिलियन फूड आज ब्रेकआउट दिया बहुत अच्छा, मार्केट ऊपर की तरफ गया है। मार्केट में हम लोग को जुबिलियन फूड बाई कब लेना है, जब ये 2250 के ऊपर जाए, 49.60 के ऊपर ही हम लोग बाइंग लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्टॉप लॉस इतना छोटा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा है। स्टॉप लॉस हम कल मॉडिफाइड करके बता देंगे, स्टॉप लॉस हो सके तो इस लेवल पे स्टॉप लॉस, ये जो यहाँ है इस लेवल पे स्टॉप लॉस इसको रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट है इसका। मार्केट वहाँ से नीचे आके फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाते, स्टॉप लॉस इस जगह पे रख दिए। देखिए स्टॉप लॉस अपना छोटा हो गया, जिसकी वजह से क्या है कि अब हम लोगों को ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। 249 और 23 मीन्स 7 रुपीज़ यहाँ पे, 27 रुपीज़ का स्टॉप लॉस बन रहा है। पहला टारगेट यहाँ पे 2266 क्यों है, यहाँ पे देखिए रेसिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस, दो बार इसको रेसिस्टेंस यहाँ पे हुआ है। सेकंड टारगेट 2292, देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस है। थर्ड टारगेट यहाँ पे रेसिस्टेंस लगा है, थर्ड टारगेट यहाँ पे भी लगा है, थर्ड टारगेट वो है। ये सारा का सारा चीज़ हम अपना टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे, कहाँ पे बाई लेना है। स्टॉप लॉस हम कल बता देंगे लाइव मार्केट में देख के कि क्या स्टॉप लॉस रहेगा। डीवी स्लैब बहुत अच्छा पोजीशन पे है, ऑल टाइम हाई को भी हो सके तो ये ब्रेक कर सकता है, क्योंकि डीवी स्लैब का ऑल टाइम हाई 3368 है, 3388 है। तो डीवी स्लैब को भी ध्यान में रखना है, हो सके तो डीवी स्लैब यहाँ से ब्रेकआउट दे दे अगर 3248, तो उसके बाद डीवी स्लैब बहुत अच्छा मूव देगा। अगर इसको 3248 की अगर ऊपर जाता है तो अपने स्टॉप लॉस इस सपोर्ट पे हम लोग अपना स्टॉप लॉस मॉडिफाइड कर सकते हैं, मतलब ये जो स्टॉप लॉस है स्टॉप लॉस शिफ्ट करके यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो यही अपना स्टॉप लॉस है। देखिए इस लेवल पे आप ध्यान दे के देखिएगा, ये एक ये दो, अब मार्केट देखिए ठीक नीचे की तरफ आने के बाद फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए क्लियरली आपको देखेगा क्या, ये एक ये दो, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, इसी जगह से क्योंकि रिटर्न गया, क्योंकि ये देखिए दो सपोर्ट है यहाँ पे, सपोर्ट से मार्केट ऊपर चला गया। तो स्टॉप लॉस जैसे अब मार्केट समझिए यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो ये अपना सपोर्ट बन जाएगा, है ना, लास्ट सपोर्ट तो यही रहेगा। फिर तो फिर मार्केट जब ऊपर की तरफ जाए तो फिर नीचे की तरफ आएगा, तो इसी पे सपोर्ट लेके जाएगा। यहाँ तक तो आने का इसको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल इसको यहाँ तक आने ही नहीं देगा, यहाँ से मार्केट इसको फिर ऊपर की तरफ ले जाएगा। और अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो नीचे ये वाला स्टॉप लॉस के पास आ जाएगा, फिर यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है। मार्केट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे ही पूरा शेयर मार्केट टिका हुआ है, अपने को सिर्फ पता लगाना है कि कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे रेसिस्टेंस है। अगर ये दो चीज़ अगर आप सीख गए तो मार्केट में फिर सीखने लायक कुछ नहीं बचा आपके पास, सारा इंडिकेटर सारा चीज़ कुछ भी काम में नहीं आएगा। हमको देखिए हम एक भी इंडिकेटर यहाँ पे यूज़ नहीं करते, ना पिवोट पॉइंट ना मूविंग एवरेज ना कुछ, सिर्फ वॉल्यूम देखते हैं, ट्रेड लेते हैं आराम से, अपना ट्रेड करते हैं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बेसिस पे प्राइस एक्शन बहुत अच्छा काम करता है। तो डीवी स्लैब में हम लोग को पहला टारगेट मिलता है 3270 पे, क्योंकि 3270 पे देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस लग रहा है इस पॉइंट पे। सेकंड रेसिस्टेंस इसको इस जगह पे लग रहा है, इस जगह पे 3298 पे। थर्ड टारगेट हम लोग का 3388 है। माइंट्री भी बहुत अच्छा पोजीशन पे आज हम देखे थे,
माइंड ट्री को दिखाते हैं। 5 मिनट्स कैंडल हम ज़्यादा फॉलो करते हैं क्योंकि 5 मिनट में कैंडल में इंडिकेशन हम लोग को बहुत अच्छा क्लियर मिलता है, क्योंकि हम लोग तो इंट्राडे करते हैं, हम लोग तो डिलीवरी ऑर्डर या होल्डिंग पे नहीं रखते कोई भी ट्रेड। इंट्राडे वाला लोग के लिए छोटा टाइम फ्रेम 5 मिनट्स बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। 1371 के ऊपर अगर माइंड ट्री जाए तो बाई लेना है। पहला टारगेट मिलेगा 1378, इसका रेसिस्टेंस यहाँ पे है। सेकंड टारगेट 1406, देखिए यहाँ पे रेसिस्टेंस लग रहा है। थर्ड टारगेट अपना रेसिस्टेंस कहाँ पे लग रहा है, इस जगह पे 1439 पे। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, हम इन लोगों को डेली फॉलो करते हैं, तो इन सब के बारे में आपके संग डिस्कस किए। इसके बारे में हम अपडेट कर दे रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है देखिए। तो आज के लिए इतना ही, ये हम अपडेट कर दे रहे हैं टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कौन सा बाय लेना है, कौन सा सेल करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गुड नाइट। रात का 11:30 बज गया है, तो बहुत रात भी हो गया है। हम वीडियो अपलोड में लगा देते हैं ताकि आप लोगों को भी देखने में ईजी हो, कल सुबह सुबह आप लोग भी देख लीजिएगा ताकि ट्रेड ले भी पाए आप लोग आराम से। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, ये लर्निंग सेशन ऐसे ही चलता रहे। सीरीज़ हम बिगनर लोग के लिए एकदम स्टार्टिंग से सीरीज़ बना रहे हैं, और संडे तक हो सके तो कैसे जीरोधा पे अकाउंट ओपन करते हैं। बहुत जन हमको फेसबुक पे मैसेज भी किया था, दोस्त लोग भी पूछ रहे हैं कि कैसे अकाउंट ओपन करते हैं, इसको लेकर हम एक वीडियो बना दे रहे हैं। संडे को मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे जीरोधा पे अकाउंट खुलते हैं। और जीरोधा पे अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहला चीज़ आपको आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, तभी आपका जीरोधा पे अकाउंट खुलेगा, वरना नहीं खुल पाएगा। तो आप अगर नहीं लिंक है तो आप अपना लिंक करवा लीजिए कोई भी लोकल शॉप में जाके, वहाँ से जाके उन लोग से पता करके लिंक करवा लीजिए अपना जीरोधा पे आधार कार्ड में अपना फ़ोन नंबर, ताकि आप अपना अकाउंट को ओपन करवा सकें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए स्वीट ड्रीम, गुड बाय।